नमस्कार, मैं हूं सुशील पाठक। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल पर आने से पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, तो मैं आपको यहां पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, वो है मोबाइल रिपेयरिंग। ठहरिए, थोड़ा सा अंतर है। मोबाइल रिपेयरिंग आप कहीं भी सीख सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, तो आप सोचेंगे इसमें नया क्या है। लेकिन वीडियो में कुछ खास है, उसको मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसी चीज है, आज के डेट में उससे आप बहुत ही अच्छा और खासा पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाने के लिए दोस्तों, आप मोबाइल रिपेयरिंग कहीं भी भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं। उसके लिए मुझे आपको कोई भी स्पेशल और खास वीडियो देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये खास वीडियो देने की वजह है, मैं बेस्ट सर्विसेज में हूं। ये आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने का एक इंस्टीट्यूट है और मैं यहां से आपको वीडियो दे रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास है। और खास ये है कि यहां पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और यहां से हमारे साथ यहां के ऑनर मिस्टर शैलेंद्र गर्ग जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, हम अपने व्यूअर्स को आज बताना चाहेंगे उस खास टेक्नोलॉजी के बारे में, खास स्टेप के बारे में। वैसे तो जैसा कि मैंने इनसे अभी कहा है कि अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, सिंपल रिपेयरिंग जैसे कि आजकल इंडिया में होता है, जो कि जिसका लेवल एकदम कहे तो बेसिक है, मतलब स्टार्टअप है, तो उस लेवल का तो हर जगह सिखाते हैं। मैं आपके पास आया हूं, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सिखाएंगे, यहां से सिखाया जाएगा, कुछ खास है, इसलिए आपको रुक कर सर की बातें सुननी पड़ेंगी। तो सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके यहाँ ऐसा क्या खास होने वाला है। जी, पहले तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बेस्ट सर्विसेज दिल्ली में स्थित है और बेस्ट सर्विसेज पहला इंस्टीट्यूट है पूरे हिंदुस्तान का जो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक की ट्रेनिंग देता है। जी। अभी तक जितने भी हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट हैं वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की ही ट्रेनिंग देते हैं। ओके। लेवल 1 में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लेवल्स में क्या फर्क है। लेवल 1 में आपका आता है जनरली सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, के सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम सॉल्व करना, हैंडसेट को खोले बिना प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेवल 2 में आता है हैंडसेट खोलना, रिंगर, माइक, स्पीकर चेंज करना, छोटी मोटी आईसियां, कंपोनेंट, छोटा मोटा काम करके मदरबोर्ड लेवल पे रिपेयरिंग हल्की फुल्की करना। राइट सर। जो लेवल 3 होता है वो कम्प्लीटली चिप लेवल होता है, कम्प्लीटली मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर किया जाए, हर एक टाइप की कैसे आईसियां चेंज की जाए, पूरा डिटेल्ड लेवल 3 में आ जाता है आईसी का कंप्लीट वर्क। जी। L4 जो है, जैसे हमारे जो स्मार्टफोन है वो ऊपर जो डिस्प्ले उसकी लगी होती है वो काफी कॉस्टली होती है। जी, जनरली वो हैंडसेट गिर जाता है तो ऊपर का ग्लास क्रैक हो जाता है, अंदर की डिस्प्ले सही रहती है। राइट सर। आप कहीं भी जाएंगे वो 5,000-7,000 रुपए उसको चेंज करने के मांगते हैं। ठीक तो है सर। हमारा इंस्टीट्यूट वो सिखाता है कि उस ग्लास को सिर्फ 200 रुपए में कैसे चेंज किया जाए। दोस्तों, ये भी ध्यान देने की बात है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, सर के यहाँ इस काम को कैसे किया जाता है या आप कैसे कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पर भी मैं आपको वीडियो देने वाला हूं। लेकिन अभी फिलहाल हम जिस पर्पस से बैठे हैं सबसे आगे की बात जानते हैं। जी, लेवल 4 में हम, मैंने आपको बताया ये ग्लास रिप्लेसमेंट का हम सारा काम सिखाते हैं। पोलराइजर, मतलब कंप्लीट, मैं आपको लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, उसमें सारा आपका कोर्स डिटेल हमारी है कि क्या क्या हम सिखाते हैं। ठीक है सर। लेवल 5 में अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आता है एक फ्रीजर मशीन होती है जो कर्व एलसीडी होती है, जो महंगे फोन आ रहे हैं, जो सैमसंग में आ रहे हैं, 6, 7, S8, S8 प्लस, Note 8, इनकी डिस्प्ले को कैसे चेंज किया जाए। और डिस्प्ले के आगे एक फ्लेक्स केबल होती है जिसे पत्ता भी कहा जाता है। जी सर। उसको कैसे रिप्लेस किया जाए वो भी हम लेवल 5 में सिखाते हैं। राइट सर। और BGM मशीन्स से आईसी कैसे उतारते हैं, कैसे लगाते हैं, वो भी हम लेवल 5 में सारा सिखाते हैं। राइट सर। जी, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे सर हम उस एडवांस कोर्स के बारे में कि मतलब उसका कैसे हमारे दर्शकों को बेनिफिट होने वाला है, जो कि इंडिया में अभी वो एडवांस कोर्स शायद कहीं हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि कहीं है। नहीं जी, कहीं नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको उससे भी ज्यादा एडवांस कोर्स की बात बताऊंगा। राइट सर। ये हमने बताया सारा आपको बेसिक, अब एक जो, अब एक हम बात करें जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का। राइट सर। वो है फोनकॉन्ग। फोनकॉन्ग। जी, ये जो फोनकॉन्ग है ये चाइना का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। राइट सर। बहुत अच्छे अच्छे रिपेयरर को जन्म दिया है, उनको रिपेयरिंग सिखाई है। राइट सर। बेसिकली ये आईफोन की रिपेयरिंग सिखाते हैं।
ओके आईफोन के कैसे भी मदरबोर्ड को ये जिंदा कर सकते हैं। ओके तो दोस्तों ध्यान देने की बात है, जैसा कि सर पहले से यहाँ पे आईफोन के मदरबोर्ड भी लेके आ चुके हैं, टेबल पे ढेर सारे पड़े हैं, मैं आपको जैसे कुछ दिखा दूं तो जैसा कि सर ने बताया आईफोन की रिपेयरिंग हर जगह नहीं होती, आपको भी मालूम है। तो आईफोन के रिपेयरिंग के बारे में वो भी चिप लेवल की बात सर कर रहे हैं, फोनकॉन्ग जो कि चाइना का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो लोग यहां पे आके ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट सर? जी बिल्कुल। ठीक है सर, आगे की बात हम सर से जानते हैं। जी हाँ, फोनकॉन्ग बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके पूरा सर्किट को कैसे स्टडी किया जाता है, पर्टिकुलर एक एक पार्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, आईसी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सी खराब है, खराब आईसी को कैसे ग्राइंड करके या उसके ट्रैक बना के रिपेयर किया जाता है, या मदरबोर्ड के आईसी के नीचे के जो ट्रैक होते हैं वो उखड़ जाते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही डीप लेवल की ट्रेनिंग ये आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सीखना है तो आपको इन बोर्ड्स पे सिखाने के लिए ढेर सारे हजारों के संख्या में सर ने मदरबोर्ड, खराब मदरबोर्ड जिसको रिपेयरिंग करके ठीक करनी है, और वहां से आए हुए जो भी आपके टीचर होंगे वो इसको ठीक करना सिखाएंगे, आपके आंखों के सामने ठीक करके बताएंगे। सर वैसे वैसे ढेर सारे बोर्ड मंगा के इन्होंने रखा हुआ है, तो काफी ईजी ट्रेनिंग होने वाली है। अगर आप ये कोर्स पूरा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी मार्जिन होने वाली है, क्योंकि अगर आईफोन की ही बेसिकली बात करें तो वारंटी अवॉइड आपने सुना होगा, अगर सपोज वो पानी में गिर जाता है, लिक्विड उसमें आ जाता है या किसी भी तरह की या फिजिकल डैमेज ही हो जाता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसमें वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते तो लाखों का फ़ोन आपका बेकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने कोर्स किया है या सपोज कोई जानता है उसको रिपेयर करना, तो उसके पास जाके कम पैसे में आप रिपेयर करा सकते हैं। अच्छा सर एक सवाल आपसे और, ये बोर्ड रिपेयर जो कि आईफोन का बोर्ड है इसके लगभग क्या चार्जेस मिल जाते होंगे? देखिए चार्जेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जैसे अगर हम महंगे मॉडल की बात करें आईफोन एक्स की बात करें, जी एक्स में प्रॉब्लम आती है गिर जाता है, गिरने के बाद उसमें कई टाइप के एरर्स आ जाते हैं, राइट सर, उस एरर को रिपेयर करने के आप कहीं भी जाएंगे आईफोन एक्स को डिसअसेंबल करना, उस एरर को निकालना, उस एरर को निकालने का क्या तरीका होता है, जनरली आईफोन में दो मदरबोर्ड होते हैं जो बॉल्स पे आपस में लगे हुए होते हैं, 90% प्रॉब्लम हम इन दो मदरबोर्ड को अलग करके दोबारा रीबॉल करके इनको अगर हम पेस्ट कर दें राइट सर फोन ओके हो जाता है। हाँ, राइट, लेकिन ये करने वाले इंजीनियर ही हिंदुस्तान में गिनती में, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं शायद, इतने बहुत कम रिपेयरर हैं। ओके ऑब्वियसली जिसके रिपेयरर कम होंगे उसकी आपको इनकम बहुत ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल मतलब सर। अगर आप ये देखते हैं कि सामने वाले का लाख रुपए का फोन है तो आप 10,000-15,000 भी मांगेंगे तो कस्टमर खुश होकर देता है कि हाँ 15,000 में मेरा फोन ओके हो रहा है, लाख रुपए मेरे बच रहे हैं, नो प्रॉब्लम आप कर दो। Right. और वही अगर हम आईफोन 6, 7, 8 में मांगे तब भी 3,000-5,000 लेबर चार्जेस अभी बहुत अच्छे मिलते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चाइना में भी जो आईफोन रिपेयरर बैठे हैं वो भी काफी अच्छे चार्जेस लेते हैं। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि अगर आपके पास ऐसे ऐसे फोन आते हैं तो आप कितनी कमाई कर सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलने वाला हूं, ये आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। अगर दिन के आपने 4-5 भी कर दिए तो आप कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने इस जगह का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन उससे पहले इस कोर्स में आने वाले खर्च के बारे में हम सर से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे फोनकॉन्ग है, फोनकॉन्ग अगर वहां पे हम, जहाँ पे कई लोग हिंदुस्तान से क्या पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं फोनकॉन्ग जाते हैं ट्रेनिंग लेते हैं, जी तो जो फोनकॉन्ग चार्ज करता है वो करता है $2,100। ओके जी हाँ, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में बनेगा, राइट, और आने जाने का 70-80 हजार रुपए खर्चा, रहने का 50,000 रुपए, राइट, तो आप मान के चलिए 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा लगता है अगर हम फोनकॉन्ग जाके ट्रेनिंग लेते हैं। या ध्यान देने की बात है दोस्तों, जी वही ट्रेनिंग सेम टीचर्स द्वारा जी हिंदुस्तान में दी जाएगी। और हाँ एक बात और, जो फोनकॉन्ग है उनका एक टीचर है मिस्टर गगनदीप, जी इंडियन है और हिंदी में ट्रेनिंग देंगे। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए दोस्तों कि हिंदी में आपको ट्रेनिंग यहाँ पे मिलेगी, जो कि वहाँ के टीचर हैं और इंडियन हैं तो आपको इंडियन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। जी जी हाँ, जैसे मैंने आपको हांगकांग में बताया 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, और हिंदुस्तान में अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं विद रहना खाना पीना के साथ वो 90,000 रुपए सिर्फ, और अगर कोई दिल्ली का ही बंदा है या दिल्ली के नियरेस्ट है जो कहता है मैं डेली अप डाउन कर लूंगा तो सिर्फ 73,000 हम लेते हैं। जी
तो दोस्तों आपको मात्र 90,000 रुपीज में विथ एकोमोडेशन यानी कि रहना खाना पीना सब कुछ मुफ्त होने वाला है। 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाने वाली है इस इंस्टीट्यूट में। इन्होंने स्पेशली वहां से ट्रेनर अरेंज किया हुआ है, तो 15 डेज की ट्रेनिंग वो आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे बहुत ही कम इंडियन करेंसी 90,000 में। आपका एकोमोडेशन रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होने वाला है। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास में हैं तो मात्र 73,000 रुपीज में 15 डेज में आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो मैंने एक अच्छी जानकारी आपको दी है, अब आपकी इच्छा है आप अपने आप को कितना एडवांस करना चाहते हैं। तो मैंने इस जगह का एड्रेस और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी यूनिक आइडिया और नए प्रोडक्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।